और हेडलाइन के बाद रुक करेंगे खबरों की तरफ। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है बिहार के मुंगेर से। बिहार में अपराधियों का आतंक लगातार दिख रहा है। आपको बता दें कि बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर से एक और बड़ी करतूत को यहां पर अंजाम दिया है। बिहार के मुंगेर में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता असबर शमसी को सरेआम गोली मार दी गई है। बड़ी वारदात को अंजाम यहां पर अपराधियों की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि घटना जमालपुर की है, जहां पर बदमाशों ने पार्टी के प्रवक्ता असबर शमसी को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल असबर शमसी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। असबर शमसी के ड्राइवर मोहम्मद मुन्ना के मुताबिक रोजाना की तरह शमसी जमालपुर कॉलेज पहुंचे, कॉलेज गेट पर गाड़ी से उतरे, उसके बाद उन्हें कान के पास गोली मार दी गई। कॉलेज के शिक्षकों की सहायता से उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद एसपी एएसपी सहित पुलिस प्रशासन सदर अस्पताल में डेरा जमाए हुए हैं और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। मालूम हो कि असबर शमसी आईटीसी लेबर यूनियन के अध्यक्ष के पद पर काम करते हैं, साथ ही जमालपुर कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर भी वो तैनात हैं। इन दिनों आईटीसी लेबर यूनियन पद को लेकर कई लोगों से उनका विवाद भी चल रहा है, जिसके संबंध में उनके साथ पहले भी इस मामले को लेकर मारपीट हो चुकी है। तो एक बड़ी घटना को यहां पर अंजाम दिया गया है। आपको बता दें अपराधियों के द्वारा, बेखौफ अपराधियों ने यहां पर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता को सरेआम गोली मार दी गई है। और इस पूरे मामले को लेकर मुंगेर एसपी ने भी अपना बयान दिया है। मुंगेर एसपी ने कहा है कि कॉलेज के प्राचार्य को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले को लेकर पूछताछ चल रही है। आपको बता दें कि प्राचार्य का नाम है ललन प्रसाद सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर अफजल शमसी करके। जैसे वो कॉलेज कैंपस के अंदर चैम्बर की तरफ जा रहे थे, गाड़ी से उतरे थे, तो उनके कहने के मुताबिक लगभग दो तीन लड़के थे जिन्होंने उनके ऊपर गोली चलाई और जो गोली है इनके कान के पीछे लगा है और अभी इनका इलाज चल रहा है और इनका बयान दिया गया है। तो जो कॉलेज के एक और प्रोफेसर हैं और इंचार्ज भी हैं ललन प्रसाद सिंह करके, उनके साथ कॉलेज के हैंड ओवर टेक ओवर को लेकर विवाद चल रहा था, बहुत दुखद है। मेरी बात भी हुई है वहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष से, शमसी जी ठीक हैं, और मेरी डीजीपी से भी बात हुई है इस सिलसिले में। चुनाव कानून व्यवस्था में वो खुद एसपी को उन्होंने बोला है और शीघ्र ही वह कार्रवाई होगी। नीतीश कुमार जी भाजपा की चपेट में है, इस स्थिति में बिहार का भला भगवान ही करे, कोई सुरक्षित नहीं है। हर कोई जब घर से निकलता है तो परिजन संशय में रहते हैं कि वापस लौटेगा सुरक्षित की लौटेगा। महाजंगल राज की चपेट में है बिहार, उसके पितामह उसके महाराजा नीतीश जी चुपचाप अपराधियों के गोलियों का तांडव देख रहे हैं, तंत्र ने घुटने टेक दिया है। हालात बिहार के बहुत खराब है और जिस तरीके से बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है मुंगेर में, हम आपको बता दें कि इंडिगो के मैनेजर रुपेश की हत्या को लेकर अभी पुलिस कोई खुलासा भी नहीं कर पाई थी कि एक और बड़ी वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया है। सरेआम बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता को गोली मारी गई है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के नेता शक्ति यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शक्ति जी, ये क्या हो रहा है बिहार में? देखिए, शमसी साहब को अपराधियों ने गोली मारी है। हमको पहले की निंदा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बिहार इन दिनों अपराधियों की चपेट में है और जनरल महाजनरल राज के जो महाराजा है नीतीश जी, ये अपराधी निकलता है तो लगता है संशय की जिंदगी जीता है कि मैं शाम को वापस रोकू तो मैं फिर रोकूंगा। ये भय और खौफ का वातावरण बिहार के अंदर में है और एक से एक ऐसे घटनाएं लंबी फेरिस प्रतिदिन 20-25 हत्याएं होती है, फिर बड़े जो गोलीकांड होते हैं उसमें तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं, लेकिन गांव और गवाई के इलाका में पंचायतों में जिस तरह से निरंतर हत्याओं का दौर चल रहा है, सरकार का आभा डूब चुकी है। जब कोई सवाल उठता है तंत्र पर निरंकुश नहीं लगा करके अपराधियों पर वो अंकुश नहीं लगाते हैं, तो मान लीजिए कि बिहार जो है भगवान भरोसे चल रहा है। बिहार में अपराधियों का राज है। बिल्कुल शक्ति जी, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अभी हाल के दिनों में हमने देखा कि
कि कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, जैसे रुपेश हत्याकांड की बात करें, बाकी दूसरी घटनाओं को लें, लगातार कहा तो जरूर जाता है सरकार की तरफ से कि काबू में करेंगे, कंट्रोल में है, आंकड़े ये हैं, लेकिन उन आंकड़ों का हम करेंगे क्या? शक्ति जी, आंकड़े की चर्चा अगर करते हैं तो मैं तो करता हूँ, खुली बहर को करते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट ले, नरसे से लेकर सपा का रिपोर्ट ले, हमारे समय में क्या रहे, हम बिल्कुल शक्ति जी, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लगातार आरोप सरकार के ऊपर लग रहे हैं और अपराधी हैं कि बेखौफ होकर लगातार एक के बाद एक घटनाओं को यहां पर अंजाम देने में जुटे हुए हैं। और जिस तरीके से इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है मुंगेर में, इसी पर बात करने के लिए जी मीडिया संवाददाता धीरज ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। धीरज जी, जिस तरीके से एक के बाद एक अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, रुपेश हत्याकांड की गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता को सरेआम गोली मार दी गई। धीरज जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, बात करने की कोशिश करेंगे दोबारा, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां पर बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजबर शमसी को यहां पर सरेआम गोली मारी गई है और यह बताया जा रहा है कि प्राचार्य से संगठन को लेकर, यूनियन को लेकर किसी तरीके का कोई विवाद था, यह भी हो सकता है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि इस मुद्दे को लेकर डीजीपी से उनकी बात हुई है, वो मुंगेर के जमालपुर कॉलेज में पढ़ाते हैं, वहां पर वो पहुंचे और उसके बाद जब वहां पर पहुंचे तो उन्हें गोली मार दी गई और वहां पर वो पहुंचे थे उसके बाद उन्हें गोली मार दी गई। तो एक और बड़ी घटना को यहां पर अंजाम दिया है बेखौफ अपराधियों ने बिहार में। और जेडीयू के नेता अफजल अब्बास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अफजल जी, जिस तरीके से घटनाएं लगातार हो रही हैं, विपक्ष तो हमला कर ही रहा है, लेकिन पब्लिक को भी जवाब चाहिए कि कैसे घट रही है ये घटनाएं। और देखिए, हम लोग बड़े अच्छे मित्रों में से थे क्या है, और ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग कई बार डिबेट में साथ बैठे हैं, सुलझे भी आदमी है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम तो है, लेकिन मेरा मकसद है, मेरा ये कहना है कि अगर जितने गोली चलाई जो सटन में शामिल है, जो उनके बयान भी सामने आए हैं, वो आपके सामने है, जो आपके मुंगेर एसपी ने उन पर कार्रवाई की है, चार हालत भी हुए, तो दुखद है। और देखिए, हर हत्या और हर गोली हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, कहीं द्वेष में, कहीं जमीन का विवाद है, कभी कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी है। इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, कोई वाकई है हमारे लिए चैलेंज के तौर लेते हैं। मुझे यकीन है कि जल्द से जल्द और लोग इससे मुलविस, जो लोग हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा। बिल्कुल, और सरकार संजीदा है, चाहे वो अश्वर शमसी हो या बिहार का एक नागरिक हो, जो इस तरह की घटना जिससे हो रही है उसके लिए सरकार बख्शने वाली नहीं है। बिल्कुल, बीजेपी के प्रवक्ता थे, इसलिए और भी हमारी कमिता बनती है कि जब प्रवक्ता किस कारण से पे गोली चली। हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान। बिल्कुल अफजल अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए हमसे और ये बताने के लिए कि बिहार सरकार अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करेगी जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि यही बात हर घटना के बाद कही जाती है, लेकिन फिर अगली घटना हो जाती है और इसी तरह की बातों को फिर दोहरा दिया जाता है। जी मीडिया संवाददाता धीरज ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज जी, सरकार कह रही है एक बार फिर से कि सख्त एक्शन लेंगे, रुपेश हत्याकांड की गुत्थी सुलझी नहीं है कि एक और बड़ी घटना हो गई मुंगेर में। देखिए, एक बहुत बड़ी घटना है, घटना आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिन दहाड़े एक कॉलेज के परिसर के सामने जहां छात्रों की भीड़ लगी हुई है, वहां आके अपराधी कनपट्टी में गोली मार दे, ये अपने आप में घटना बता दी है कि कानून व्यवस्था का क्या हाल है। और जितने भी आप सत्ता पक्ष के लोगों से जवाब लेंगे,
आपको निराशाजनक ही जवाब मिलेगी, चाहे रुपेश की हत्याकांड में हो जो 15 दिन के आसपास हो गए लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, और दूसरी बड़ी घटना आप ये देख लीजिए अफसर शमसी जो कल तक राजेश सरकार के जो अपराध के मामले हैं उसको डिफेंड करते थे एज ए टीवी पर, जब आप सवाल पूछते थे तब वो डिफेंड करते थे कि सरकार हर अपराधी को कार्रवाई कर रही है अपराधी, लेकिन आज वो खुद उस बात के शिकार हुए हैं। तो ये बात सोचना पड़ेगा सरकार को, साथ ही जितने पुलिस महकमा है, पुलिस महकमा तो आप एक तरह से अगर देखें तो बिहार में पुलिस महकमा पूरी तरह सोई हुई है, कोई उसमें एक्शन नहीं दिखता है। पटना में 15 दिन घटना, आप पटना के पुलिस गश्त बढ़ाने के लिए बार बार सीएम भी कह रहे हैं लेकिन आप देखेंगे नहीं। अब इस तरह की घटना पर बीजेपी, सबसे बड़ा सवाल तो अब बीजेपी के लिए होगा जो सत्ता में भागीदार हैं, कह रहे हैं कि हम बड़ी पार्टी हैं, उनको वो कैसे डिफेंड करेंगे। तो ये सवाल तो है और सवाल इसका जवाब देना पड़ेगा, और कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगा इसके लिए एक चाहे जिस भी तरीके से हो इस पे काबू तो पाना होगा। अपराधी लगातार चुनौती दे रहे हैं इस बात को, चाहे पुलिस महकमे के लोग हों, प्रशासन हो या सरकार हो, चूँकि परसेप्शन सरकार की ही बनती है। एक नीतीश कुमार की एक ऐसी छवि रही है जो अब तक है, कहीं परसेप्शन ऐसा न बन जाए कि आप एक कमज़ोर मुख्यमंत्री बन जाए। तो ये एक परसेप्शन की बात है और इसको कम से कम सरकार और सरकार के कबीना मंत्री हैं जो दो उप मुख्यमंत्री हैं उनको सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। और उनके एक बहुत ही मुखर प्रवक्ता जिनको गोली मारी गई है, ये अपने आप में घटना दर्शाता है कि कहीं बिल्कुल बिहार की कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल धीरज जी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की घटना को यहाँ पर अंजाम दिया गया है और कई तरह के सवाल एक बार फिर से बिहार की कानून व्यवस्था